ये सभी का स्वागत करेंगे सभी साथी से विशेष निवेदन है, तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए। हमारे अपने घर के साथी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंदर है, उन सभी का मैं मंच पे स्वागत करता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय मोहन भाई रोत, सभी से निवेदन है इन सभी साथियों का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। सभी साथी भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य मंच पर आमंत्रित है, उनका जोरदार तालियों के साथ पूरा स्वागत करें। जो ये कार्यकारिणी पूरे देश के आदिवासियों के बीच में एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी के बीच में इस भारत आदिवासी पार्टी को लेकर जाएगी और निश्चित रूप से इस भारत देश में एक अलग पहचान बनाएगी और निश्चित रूप से आने वाले समय में इस भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में राजगद्दी पर प्रमुख पद पर भी बैठेंगे। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ इन सभी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत, कांति दादा का जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आदिवासी से सभी साथी पहुंचे मंच पर। हमारे बीच में भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य माननीय विधायक की राजकुमारी रोत मंच पर। साथियों हमारे बीच में युवा विधायक राजस्थान विधानसभा के जो उस समय में बीजेपी के विधायक थे, आज भारत आदिवासी पार्टी के विधायक है, भारत आदिवासी पार्टी के विधायक है। और जो भारतीय ट्राइबल पार्टी गुजरात की थी, जो डूंगरपुर में हम लोग लाए थे, जो छोटू भाई महेश भाई वसावा की पार्टी थी, उस पार्टी के विधायक बने थे। लेकिन आपको मैं कहना चाहूंगा, भारतीय ट्राइबल पार्टी के जो महेश भाई वसावा है, छोटू भाई वसावा है, जो महेश भाई वसावा के भाई दिलीप भाई वसावा, भारत आदिवासी पार्टी जो करके हमारे साथ है, भारतीय ट्राइबल पार्टी को ठोकर मार के गुजरात बिल प्रदेश से हमारे बीच में है। और आने वाले समय में गुजरात बिल प्रदेश में भारत आदिवासी पार्टी का पैटर्न लहराइए और गुजरात में भारत आदिवासी पार्टी के बिना कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं बैठ पाएगी। ऐसी आशा उम्मीद के साथ भाई दिलीप भाई वसावा का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करो मेरे भाइयों। राष्ट्रीय सदस्य जितने हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के, उनसे सभी से मेरा निवेदन है कि महापुरुषों की जितनी अपनी तस्वीरें हैं उन पे अपन एक बार माल्यार्पण करके फिर वापस मंच पे बैठेंगे। सभी साथियों से निवेदन है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जितने साथी हैं, सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अध्यक्ष सहित सभी भाइयों से निवेदन है मेरा, सामने महापुरुषों की प्रतिमा लगी हुई है, उन पर माल्यार्पण करके वापिस मंच पर अपना हस्तांतरण करेंगे। सभी साथियों से निवेदन है, सामने भाई माला लेकर वहां सामने खड़े रहे हैं। सभी भाइयों से निवेदन है, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य जो हमारे महापुरुषों पर तस्वीर पर जो माला अर्पण करेंगे, तो सभी भाइयों बहनों से निवेदन है आप इनकी बेल करिए, सबका सहयोग माना जाएगा इसमें, सबके सहयोग से इस महापुरुषों पर इनका आशीर्वाद लेकर उस पार्टी का आपने गणिवा नारा लोग में गणिवा भी आपने बेल करेंगे करें, एम बेल कर वो है सबने आठ बेल वो है
तो ये सबका माना जाएगा। और निश्चित रूप से जिन महापुरुषों के माल्यार्पण किया जा रहा है वो हमारे महान हस्तियां थी। इन एसटी एससी ओबीसी और अन्य गरीब तबकों के लिए उन्होंने खून बहाया है और हमारे हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है, इसलिए आप सभी बेल करके इनका समर्थन करें। हेलो, सभी डूंगरपुर जिले के हाँ आगे का कार्यक्रम विधिवत रूप से शुरुआत किया जा रहा है। हमारे बीच में राष्ट्र कार्यकारिणी भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल जी रोत, उनका बिच्छीवाड़ा ब्लॉक अध्यक्ष साथियों, कुछ चर्चा उस कार्यक्रम के लिए चर्चा हो रही थी, लेकिन अब आगे विधिवत लोकेश कटारा मंच पर आ गए, ब्लॉक अध्यक्ष डूंगरपुर। साथियों, हमारे बीच में भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन भाई मोहनलाल रोड राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनका जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। साथ ही बिच्छीवाड़ा ब्लॉक अध्यक्ष संजय भाई भगोरा, उनका फूल माला पहनाकर स्वागत करेंगे। और साथियों, पंडाल में बैठे हुए उनका जोरदार ताली के साथ स्वागत करें, जो पूरा पंडाल गूंज जाना चाहिए। आगे राष्ट्रीय सदस्य कांतिलाल जी हो, कांति भाई आदिवासी, उनका पाल गामड़ी गिरीश भाई कटारा फूल माला पहनाकर स्वागत करेंगे। कांति भाई आगे आ जाए। जो जो साथी ये पंडाल के अंदर खड़े हैं वो एक बार बैठने की कोशिश करें, आपके पीछे कोई खड़ा है वो देख नहीं पा रहा है, आपके आगे एलईडी लगी हुई है इसके बावजूद आप खड़े हो रहे, अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ी राष्ट्रीय सदस्य माननीय विधायक राम प्रसाद जी भिंडो साहब का पाल गामड़ी देवल ब्लॉक अध्यक्ष तिलक कोटेट माला पहना कर स्वागत करेंगे। तिलक भाई कोटेट, तालियों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए साथियों। राष्ट्रीय सदस्य राजू भाई बल्लभ भाई नहीं हमारे बीच में, प्रोफेसर जितेंद्र जी मीणा जिनका दौड़ा ब्लॉक अध्यक्ष पांडाल के अंदर तालियां क्यों रुक रही है वो समझ नहीं आ रहा। ये सभी साथी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथी हैं। आगे मैं सचिन गामट जामुआ
सर हमारे बीच में नहीं है। जितेंद्र जी हासलकर राष्ट्रीय महासचिव, जिनका डूंगरपुर ब्लॉक अध्यक्ष लोकेश कटारा एवं अनिल बरंडा दोनों। सभी ब्लॉक अध्यक्ष से निवेदन है जिन जिन माला पहना दी है वो मन से नीचे उतर जावे। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय सदस्य दिलीप भाई छोटू भाई वसावा, राष्ट्रीय सदस्य इनका माला सामला ब्लॉक अध्यक्ष हीरालाल बोची। दिलीप भाई के लिए तालियों की कमी नहीं आनी चाहिए। दिलीप भाई का जो योगदान रहा है वो कहीं कहीं बहुत बड़ा रहा है। हीरालाल जी गोदा, हीरालाल जी गोदा का रमेश भाई खराड़ी माला पहना कर स्वागत करेंगे। प्रोफेसर मणिलाल जी गरासिया, मनोज भाई पारगी सिमरवाड़ा ब्लॉक अध्यक्ष, विजय भाई भमाद जोत्री ब्लॉक अध्यक्ष, अरविंद भाई रोत, कविता जी भगोरा राष्ट्रीय सदस्य, प्रियंका जी रोत पार्षद डूंगरपुर माला पहनाकर स्वागत करेंगे। माया जी गलासिया राष्ट्रीय सदस्य, फरजाना मैडम पार्षद माला पहना का स्वागत करेंगे। विक्रम सोलंकी राष्ट्रीय सदस्य, सागवाड़ा चिकली राजकुमार जी पारगी माला पहना का स्वागत करेंगे। मीनेश भाई वसावा सुरेश भाई कटारा एवं गलियाकोट करुणेश कटारा दोनों माला पहना का स्वागत करेंगे। भाई दो जने माला पहना रहे हैं आपको। हमारे बीच में राजकुमार जी एमएलए साहब के जिला अध्यक्ष संतोष जी भाई माला पहना का स्वागत करेंगे। राष्ट्रीय सदस्य जोरदार तालियों के साथ स्वागत। हीरालाल जी दामा का ईश्वर जी रोज माला पहना का स्वागत करेंगे। हीरालाल जी दामा साइड